आज हम आपको इंडिया में एक ऐसी जगह लेके आए हैं जहाँ 55 साल से लोग खाते हैं पिटाई वाला पकोड़ा। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा पकोड़ा है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। इस वीडियो में आपको मजा आ जाने वाला है, क्योंकि आज से पहले आपने ना ऐसा पकोड़ा खाया होगा और ना ऐसा पकोड़ा बनते आपने देखा होगा। वैसे इसे वहाँ के लोग टिकरी पकोड़ा के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो इसका आकार है वो टिकरी की तरह बना दिया जाता है। इसमें डालने वाली जो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा पालक यूज़ किया जाता है और कटा हुआ प्याज, साथ में रहता है बेसन। और एक बूंद पानी डाले बिना इस पूरे बेसन को इस पालक के अंदर बढ़िया से मिला लिया जाता है, और बिना पानी डाले जो पालक में से निकलने वाला पानी है उसी के बेस पर ये पूरा का पूरा बेस तैयार कर लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पकौड़े का जो बेस है पूरा तैयार हो चुका है। अब इसे कोयले के भट्टी पर, जो इन्होंने गरम कढ़ाई में तेल रखा हुआ है, उसके अंदर ले जा करके सीधा फ्राई किया जाएगा। जी हाँ, बनता अंदर है, फ्राई फ्रंट में होता है और इसके बाद बिकता उसके सामने की शॉप में है, तो हम आपको वो भी दिखाने वाले हैं। वैसे कमाल की बात तो ये है भैया का, देखिए हाथ कितना तेजी से चल रहा है, क्योंकि इनकी जो शॉप है 55 साल से इनके पिताजी चला रहे थे, दादाजी चला रहे थे, और अब यहाँ पर ये बैठ के पूरा का पूरा पकौड़ा तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले इन्होंने पकोड़े को हाफ फ्राई कर लिया है और इसके बाद इसको निकाल करके हाफ फ्राई करके रखा जाएगा अलग से, और उसके बाद उस पकोड़े की शुरू होगी जम करके पिटाई। आप हमें कमेंट करके बताना कि ये टिकरी पकोड़ा आपने कभी कहीं ट्राई किया है या नहीं किया है, और इसे पीटने के लिए बड़ा स्पेशल तरीके का लोटा भी है जो पीतल का है भाई, और उसी से प्रॉपर इसकी पिटाई हो रही है। वैसे आपके शहर में ऐसे पकोड़े कहाँ मिलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पालक और प्याज वाले कॉम्बिनेशन में पकोड़ा आपको कैसा लगता है ये भी बताइएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीट पीट के जो पकोड़ा है बिल्कुल तैयार हो गया है, एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है और उसके बाद इसको दोबारा से फुल फ्राई किया जाएगा, क्रिस्पी क्रंची बनाया जाएगा। जैसे शॉप में ऑर्डर होता है वैसे यहाँ पर गर्म करके फुल फ्राई करके शॉप में बेच दिया जाता है और फिर वहाँ से इसे सेल किया जाता है। तो चलिए, जैसे फ्राई हो जाता है उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं इनकी शॉप में, और वहाँ चल के आपको बताते हैं इसका क्या प्राइस है और क्या टाइमिंग है, और आप कहाँ आने के बाद ये पकोड़ा ट्राई कर सकते हैं। वैसे देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन सा हो गया है, क्रिस्पी क्रंची हो गया है, देखने से ही लग रहा है भाई कितना लाजवाब होगा। वैसे आपको लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए एक पीस भैया हमें तोड़ के भी दिखा रहे हैं कि अंदर से भी कितना क्रिस्पी क्रंची हो गया है। तो चलिए ये भैया लेकर के अब यहाँ से जाएंगे सामने शॉप में जहाँ इनके पिताजी हैं, जो यहाँ का पूरा काम संभालते हैं। तो चलिए हम लोग भी ट्राई कर लेते हैं कैसा लगा वो आपको मैं बताता हूँ इस पकोड़े का टेस्ट। तो गाइज यहाँ पर भी एक प्लेट हम लगवा रहे हैं, और ये देखिए अंकल कितना साल हो गया आपको या भजिए का? हाँ भजिए का हो गया अपने 55 बरस। 55 साल हो गया इस भजिया को बेचते हुए आपको? हाँ 55 साल। और इसका नाम टिकरी भजिया कैसे पड़ा? टिकरी इसको पहले गोल बना दे, गोल जी, फिर इसको दबा देते, इसको हाँ। बोलते टिकरी। अच्छा, गोल होता है उसको गोटा बोलते हैं। हाँ, और इसको दबा देते हैं जी, तो इसका नाम हो गया टिकरी। तो क्या टाइमिंग है आपके शॉप की? सुबह 6 से रात को 8 बजे तक रोज चालू रहता है? रोज चालू। चले गाइस मैं इसे करता हूँ ट्राई और आपको बता दूँ डीसा में ये इतना फेमस क्यों है। क्या एड्रेस रहेगा? फेमस नाश्ता हाउस सुभाष चौक चौधरी पेट्रोल पंप के पास जी। कोई मेन एरिया यहाँ का जो फेमस हो? ये पेट्रोल पंप है। अच्छा, चौधरी पेट्रोल पंप के पास में जी। चले गाइस पेट्रोल पंप के पास में। चले गाइस एक बार मैं आपको प्रॉपर लोकेशन दिखाता हूँ। तो गाइज ये है फेमस नाश्ता हाउस और ये आया हुआ है डीसा में चौधरी पेट्रोल पंप के पास। तो आइएगा, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अंकल थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंकल आपका भी।